इसके अंदर मान लो आपके पास ये एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये आपके सामने ड्रॉप है और इसके अंदर लिक्विड है और बाहर तो एयर है। अब ये याद रखना, जब भी एक ड्रॉप या बबल होता है, इसके अंदर की जो सरफेस होती है, देख रहे हो इनसाइड, ये इसके अंदर की जो सरफेस है ये हमेशा कनकेव शेप होती है और बाहर की जो सरफेस है वो हमेशा कन्वेक्स होती है। याद रखना, अंदर की सरफेस कनकेव है, बाहर की सरफेस कन्वेक्स है, ठीक। और एक रिजल्ट है जो बुक्स में लिखा हुआ है, कनकेव सरफेस का प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कन्वेक्स सरफेस का प्रेशर। वो तो मुझे ही पता है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से तो बड़ा होगा, बस मैं इनसाइड आउटसाइड बोल रहा हूँ। और ये क्या बोल रहा है, कनकेव और कन्वेक्स बोल रहा है। तो कनकेव का प्रेशर हमेशा कन्वेक्स से बड़ा है। अगर मैं इस रिजल्ट को ड्रॉप के ऊपर लगाता हूँ, तो अगर ये आपके पास एक ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर पी इनसाइड है और ये कनकेव सरफेस का प्रेशर है, बाहर का सरफेस तो ओपन टू एयर है तो वो कन्वेक्स है, कन्वेक्स का प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयर है, और इसका डिफरेंस इज इक्वल टू 2T/R, वेयर T इज सरफेस टेंशन। मतलब मैं आपको रिजल्ट तो मैं पता ही है ऑलरेडी, ड्रॉप में क्या आना है, 2σ/R या 2T/R। मैं आपको बता रहा हूँ कि कनकेव कन्वेक्स के टर्म में जो बड़ा प्रेशर है वो कनकेव है, छोटा प्रेशर जो है वो कन्वेक्स है। जैसे एयर बबल अगर मान लो वाटर में है, तो एयर बबल वाटर में है तो एयर की सरफेस बाहर की सरफेस इसके अंदर, सॉरी अंदर की सरफेस एयर है, अंदर एयर है, अंदर की सरफेस कनकेव है और बाहर अब क्या है, कन्वेक्स। मतलब बाहर का मतलब है अब मीडियम क्या है, वाटर। तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है यार, अंदर कनकेव है बाहर कन्वेक्स है, और अंदर का प्रेशर इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से बड़ा ही होगा। अब क्योंकि इस बार बबल किस में है, लिक्विड में है, तो आंसर 4T/R की जगह सिर्फ 2T/R हो जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये शीट किसी और किताब से बना रखी है, और जस्ट वो रिजल्ट कैसे बताती है, बस मैंने ये बताने की कोशिश की है ताकि कनकेव कन्वेक्स के टर्म में आपको बताऊं। जैसे सोप बबल है, सोप बबल को वो कैसे देखता है, सोप बबल के अंदर भी एयर है, सोप बबल के बाहर भी एयर है, और सोप बबल की जो फिल्म है वो बहुत ही ज्यादा पतली है, थिन है। मैंने माइक्रोस्कोप से इसको देखा और मुझे वो ऐसी दिखती है नहीं, आपको नहीं दिखेगी, आपको तो ऑब्वियसली एक ही लाइन दिखेगी, माइक्रोस्कोप से इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल दिखने वाले हैं ऐसे। तो मैंने तीन पॉइंट्स ले लिए, एक P1, एक इसके अंदर सोप फिल्म के अंदर या सोप बबल के अंदर P', और एक बिल्कुल अंदर कितना P2। अब अगर आउटर सरफेस की बात करते हैं, तो बाहर की सरफेस के अंदर ये वाला पॉइंट अब क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स होगा। इस सरफेस के लिए ये कनकेव होगा और ये कन्वेक्स होगा, क्योंकि अंदर का पॉइंट हमेशा कनकेव है, बाहर का पॉइंट हमेशा कन्वेक्स है। तो इसमें मेरे को तो पता ही है कि P' बड़ा होगा P1 से, कनकेव का बड़ा होगा P किससे, P1 से, कितना, P' - P1 इज इक्वल टू 2T/R। 2 क्यों, क्योंकि हम अपना एक्सपेरिमेंट सिर्फ इस पे कर रहे हैं, और इसके अंदर वाटर है और इसके बाहर एयर है, तो ऑब्वियसली एक ही फ्री सरफेस पे काम हो रहा है, तो यहाँ पर 2T/R। लेकिन अगर मैं सेम काम यहाँ पे करता हूँ, इस सरफेस पे करता हूँ, इसके इनसाइड पे, तो P2 बड़ा है और P' छोटा है, तो P2 - P' इज इक्वल टू अगेन 2T/R। अब कहेंगे आर कैसे जी, इसका रेडियस तो छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो हमें दो रेडियस लेने चाहिए, R1 R2। पर मैं फिर कह रहा हूँ, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आपका डायग्राम बस ऐसा ही है, बस जो एक्चुअल में आपका डायग्राम सिर्फ ऐसा ही है, इसको मैग्नीफाई करके ऐसे बनाया है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली इनसाइड का और आउटसाइड का रेडियस क्या माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली आर ही माना जाता है, ठीक नहीं है ना, बहुत थिन है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो इसलिए मैंने दोनों रिजल्ट में आर एंड आर लगाया। तो यहां से काम करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो P' से P' कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, P2 - P1 = 4T/R। तो ऐड ओके, आंसर तो वही आना है, आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता ही है कि बबल के केस में अंदर और बाहर का प्रेशर, ये बिल्कुल अंदर का और बिल्कुल बाहर का प्रेशर क्या आने वाला है, 4T/R, कोई डाउट इसमें। तो ये आपको रिजल्ट बस पता होना चाहिए, कनकेव कन्वेक्स की फॉर्म में कैसे काम चलेगा, इतनी सी बात है बस।